घेतली आहे ती रुग्णालयाला. Thank you.
Rock and Roll, really with this. Anyway. जल शक्ति विभाग के श्री देसराज भाटिया जी, एक्सिम पीडब्ल्यूडी विभाग के श्री दीपक महाजन जी, डीपीआरओ चंपा श्री खेमचंद जी, एसडीओआईपीएच श्री एनएस नेकी जी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी श्री राकेश मरोह जी, एसडीओ विद्युत विभाग श्री मनोज कुमार जी, हमारे मंडल के मुख्य सलाहकार श्री घनश्याम शर्मा जी, हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी, आए हुए सभी माताओं बहनों, मातृशक्ति युवा साथियों, मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी मंडल लौटी की ओर से आदरणीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। अब मेरा विनम्र निवेदन रहेगा हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री डी एस ठाकुर जी से कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी को शॉल टोपी तथा फल देकर के सम्मानित करें। आदरणीय श्री डी एस ठाकुर जी, तो मेरा निवेदन रहेगा श्री डी एस ठाकुर जी से कि मंत्री महोदय को शॉल टोपी तथा चंपा का फल देकर के सम्मानित करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। और मेरा साथ निवेदन रहेगा हमारे मंडल के सचिव श्री पूनम कुमारी जी से कि वे मंच पर आए और हमारे बीच में हमारे मंत्री महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती शीला ठाकुर जी की विराजमान है, उन्हें भी शॉल टोपी देकर के सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा मंडल के सचिव श्रीमती पूनम कुमारी जी से कि हमारे बीच में मंत्री महोदय की धर्मपत्नी श्री शीला ठाकुर जी विराजमान है, उन्हें भी टोपी पहनाकर उनका सम्मान करें। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विजय ठाकुर जी से कि हमारे बीच में जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर श्री कनोत्रा जी विराजमान है, उन्हें भी टोपी पहना करके उनका भी स्वागत करें। साथ में ही मेरा निवेदन रहेगा यहाँ के स्थानीय उप प्रधान श्री पवन भारद्वाज जी से कि हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री डी एस ठाकुर जी भी है, उन्हें भी टोपी पहना करके उनका भी स्वागत करें। पवन भारद्वाज जी, साथ ही मेरा निवेदन रहेगा बरनाला पंचायत के पूर्व प्रधान श्री रोशनदास जी से कि हमारे बीच आईपीएच विभाग के एससी साहब बैठे हैं, उन्हें भी टोपी पहना करके उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद श्री पवन भारद्वाज जी, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री डी एस ठाकुर जी को सम्मान कर रहे हैं। अब मेरा निवेदन रहेगा श्री रोशनलाल जी से सीधे मंच पर आए और हमारे बीच में जल शक्ति विभाग के ऐसी श्री रणजीत सिंह चौधरी विराजमान है, उन्हें भी टोपी पहना करके उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद। और मेरा निवेदन रहेगा हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विजय ठाकुर जी से कि वे मंच पर आए और हमारे राज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री विजय ठाकुर जी, भारत माता की, भारत माता की। आज
इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के आईपीएच मिनिस्टर आदि श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे डोजी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और पूर्व में रहे तीरबाग जिला चंबा के अध्यक्ष आदि श्री डी एस ठाकुर जी, हमारे माननीय मंत्री महोदय की पत्नी आदि श्री शीला देवी जी, हमारे आईपीएच के चीफ इंजीनियर श्री एस आर मंत्रा जी, एस एच मंत्रा जी, हमारे एस सी आईपीएच आदि श्री रणजीत चौधरी जी, एक्शन आईपीएच आदि श्री देशराज जी, पीडब्ल्यू के हमारे दीपक महाजन जी और उपस्थित हमारे मंडल के दोनों महामंत्री, सभी उपाध्यक्ष, सचिव, सातों महोत्सव के अध्यक्ष और दूर दूर से आए हुए सभी प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद और उपस्थित सभी बूथ के बीएलए चालक, मैं अपनी ओर से और मंडल की ओर से आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं थोड़ा सा परिचय माननीय मंत्री जो हमारे महेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं इनका देना चाहूँगा। ये अपने धर्मपुर क्षेत्र से, धर्मपुर अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और लगातार ये 7 बार चुनाव जीते हैं। इनका जो राजनीतिक कैरियर है 1990 से शुरू हुआ था। मेरा एसडीएम मैडम से निवेदन रहेगा, स्वाति जी से, कि वो मंच पर आए और उसके बाद इन्होंने 93 में मध्यवर्ती जब चुनाव हुए थे उस बार भी इन्होंने चुनाव जीता था और 98 में जब हिमाचल विकास कांग्रेस की सरकार थी उससे भी इन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद लगातार ये 7 बार जो है यहाँ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते आए हैं। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदि श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी को बधाई देता हूँ और सराह अपने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो 2020 के चुनाव हुए थे, प्रधानों के चुनाव हुए, आज की डेट में हमारे पास संगठन का इतना मजबूत संगठन है कि जब से हमने चुनाव आ रहा तो हमारे पास 28 के आसपास प्रधान है, 36 के आसपास उप प्रधान है, 24 हमारी पीडीसी है जिसमें कि 19 हमारे पास है, जिला परिषद के मेंबर हमारे पास है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कीजिए ताकि हमारी दोबारा से हिमाचल प्रदेश में सरकार बने और डेवलपमेंट के काम हो सके। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हिमाचल में सरकार नहीं बनेगी। आपने मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा जैसे यूपी जैसे राज्यों में देखा होगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें द्वारा से फिट हुई है। Hello. और हम अगर गलती करेंगे हिमाचल प्रदेश के लोग तो जैसे पंजाब का हाल हो रहा है, जैसे लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं भगवंत मान जी और कितने हमारे लोगों को मारा जा रहा है, तो ऐसे हमें उस पार्टी का समर्थन करना है जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आदि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेंटर में है। हमें भी यहाँ हिमाचल प्रदेश से आदि श्री जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है और डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से आदि श्री डी एस ठाकुर जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है ताकि आपके गवर्नमेंट के काम और सके। अगर आप डी एस ठाकुर जी के सभी सहमत है तो मैं कैमरा वालों से निवेदन करूंगा कि इनकी फोटो भी लेना और ये घर घर जाके वोट भी मांगेंगे आदि श्री डी एस ठाकुर जी। तो मैं भारत माता का नारा बोलूंगा कि आप डी एस ठाकुर जी के साथ सभी सहमत है। भारत माता की, थोड़े से रहेंगे भारत माता की, तो आदि श्री डी एस ठाकुर जी ये आपके समर्थन में घर घर जाकर वोट मांगेंगे और जब नवंबर में हमारी सरकार बने तो आप भी यहाँ से अच्छे वोटों से पार्टी से जीतने जाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।